This is Ishan sir from ZTE Academy. Today we'll start with second defense model, that is onion model. Okay, we'll start with what? Onion model. ठीक है, मैं थोड़ा short recap दे देता हूँ आपको. पहला defense model कौन सा पढ़े थे हमने? That was lollipop model. क्या नाम था? Lollipop model. Lollipop model का ये drawback था कि lollipop model में single layer of security थी. क्या थी? सिंगल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक ही चीज यूज होती थी, दैट इज फायरवॉल. सिक्योरिटी के लिए क्या यूज होता था? फायरवॉल. इसी ड्रॉबैक की वजह से हम पढ़ेंगे ऑनियन मॉडल. व्हाट विल लर्न? ऑनियन मॉडल. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, इस मॉडल का नाम ऑनियन मॉडल क्यों दिया गया? इट इज रिफर्ड टू एज डिफेंस इन डेप्थ. इसका मतलब ये है, ये हमको ऑफर करता है मल्टी लेयर सिक्योरिटी. क्या ऑफर करता है? मल्टी लेयर सिक्योरिटी की. इसका मतलब हम सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक मैकेनिज्म यूज नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी के लिए एक से ज्यादा मैकेनिज्म यूज करेंगे. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर सिक्योरिटी. ताकि अटैकर एक लेयर को ब्रेक भी कर दे तो उसको मल्टी लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर वो प्रोटेक्टेड एसेट या कंपनी के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा. दैट इज ऑनियन मॉडल. अगेन, तभी हम बात कर रहे थे कि इस मॉडल का नाम जो सिक्योरिटी मॉडल है तो उसका नाम ऑनियन मॉडल क्यों रखा गया. इसका नाम ऑनियन मॉडल इसलिए है बिकॉज ऑनियन की कैसी लेयर्स होती है, एक एक लेयर को क्या करना पड़ता है, उसको पील ऑफ करना पड़ता है. आगे नहीं, उसको पील ऑफ करने के बाद हम फाइनली ऑनियन को एक्सेस कर पाएंगे, है ना. उसी तरह इस सिक्योरिटी मॉडल में मल्टी लेयर सिक्योरिटी है. आपको मतलब अटैकर को एक एक लेयर को पील ऑफ करना है. पील ऑफ मतलब ब्रेक करना है, तभी जाकर वो अटैकर फाइनली उस प्रोटेक्टेड डेटा या एसेट को एक्सेस कर पाएगा. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑनियन मॉडल कि यूजर को बेसिकली अटैकर को हम क्या कर रहे हैं? थका रहे. उसको इतने लेयर की सिक्योरिटी दे दिए कि वो उसको ब्रेक करता ही जाएगा, तभी जाकर वो फाइनली डेटा को एक्सेस कर सकता है. ओके, एक ही पॉइंट समझते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग. If one mechanism fail, another step up immediately to tackle an attack. मतलब, suppose for example, हमने encryption किया. Encryption क्या होता है आपको पता है? That is conversion from plain text to cipher text. आप previous videos में आपको बताया, मैंने example दिया था नीली माँ का, है ना? तो encryption में क्या होता है? Plain text से convert किस में होता है? Cipher text में. Suppose attacker ने एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर दिया. क्या कर दिया? उसको डिक्रिप्ट कर दिया. फिर भी अटैकर को बाकी डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा. अगर अटैकर फॉर एग्जांपल फिजिकल सिक्योरिटी ब्रेक कर देता है, मैं लेयर बाय लेयर समझाता हूं, अटैकर कौन सा? फिजिकल सिक्योरिटी अगर ब्रेक कर देता है तो अभी भी जरूरी नहीं है कि अटैकर उस कंटेंट को या उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी. ओके, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट. इंटरनल थ्रेट कौन होते हैं? एम्प्लॉयज. ओके, इंटरनल थ्रेट क्या होते हैं? एम्प्लॉयज. एक्सटर्नल थ्रेट खास करके किसको बोलते हैं? जो डेटा इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क से आ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल थ्रेट. एम्प्लॉयज के थ्रेट को अवॉइड करने के लिए वी हैव व्हाट? सिक्योरिटी पॉलिसी. We have what? Security policy. That is imposing access control. Imposing what? Access control. Access control का मतलब क्या है? आगे हम पढ़ेंगे एक access control के बारे में. एक है DAC, discriminatory access control, जो है syllabus में. Next one is MAC, mandatory access control. Third one is RBAC, role based access control. इसके बारे में short में बताता हूँ. Role based access कंट्रोल. सो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी क्लासेस है, मेरे क्लासेस में तीन टाइप के रोल्स क्रिएट हो सकते हैं. वन इज ओनर, सेकेंड वन इज फैकल्टी, थर्ड वन इज स्टूडेंट.
ओनर के एक्सेस डिफाइन कर दिए जाएंगे कि ओनर को इन इन चीजों का क्या है एक्सेस है, फैकल्टी के एक्सेस डिफाइन कर जाएंगे आगे नहीं, सिमिलरली स्टूडेंट के भी एक्सेस डिफाइन किए रहेंगे ओके, जिन चीजों का एक्सेस ओनर को होगा वो स्टूडेंट को नहीं होगा, जिन चीजों का एक्सेस ओनर को होगा वो फैकल्टी को भी नहीं होगा और ना स्टूडेंट को होगा, और जिन चीजों का एक्सेस फैकल्टी को होगा वो स्टूडेंट को नहीं होगा, हाँ कि नहीं। तो जब भी नया स्टूडेंट आएगा उसको रोल स्टूडेंट में ऐड कर दूंगा, उसको एक्सेस क्या हो जाएंगे डिफाइन। ये सब चीजें यूज होती है इंटरनल थ्रेड से अवॉइड करने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए भी है वो मैकेनिज्म लाइक एनक्रिप्शन एंड एवरीथिंग। इट इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर एन अटैकर टू ब्रेक द डिफेंस। इसका मतलब समझाता हूँ, ये एडवांटेज है कि अटैकर की मेहनत बढ़ा दिया हमने, कैसे, अगर अटैकर को अटैक करना है तो उसको फिजिकल सिक्योरिटी को भी ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, मॉनिटरिंग सिस्टम को भी, मॉनिटरिंग सिस्टम से भी अनडिटेक्टेड रहना पड़ेगा, पैचिंग नहीं होना चाहिए सिस्टम, लेटेस्ट अपडेट उसमें इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल को एम्प्लॉय को ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो इतने सारे लेयर्स को अगर अटैकर ब्रेक करता है तभी जाके वो फाइनली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, हमने मतलब ऑनियन मॉडल ने ये कर दिया कि अटैकर की मेहनत बढ़ा दी, कैसे, बिकॉज बाय डूइंग मल्टी लेयर सिक्योरिटी, मैं सारी लेयर्स एक एक करके समझा दो, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड फेलियर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यूज किया एप्लीकेशन गूगल का, पेमेंट के लिए कौन सा ऐप यूज होते हैं, गूगल पे, आगे नहीं, सबसे पहले आपको वो गूगल पिन पूछता है, ओके, ट्रांजैक्शन के वक्त आपको यूपीआई पिन पूछता है, आगे नहीं। तो दीज आर टू थिंग्स, फर्स्ट वन गूगल पिन, सेकेंड वन यूपीआई पिन। सपोज गूगल पिन का मैकेनिज्म फेल हो जाता है, मतलब अगर यूजर रॉन्ग पिन भी डालता है तो भी अगर उसको एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन पे लेकिन यूपीआई पिन मैकेनिज्म वर्क कर रहा है तो इसके फेल होने के बावजूद भी सिस्टम रिलायबली वर्क करेगा, है ना, क्योंकि अगर बंदा लॉगिन भी कर दिया तो भी बंदा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। तो ऑनियन मॉडल मल्टी लेयर सिक्योरिटी में बिलीव करता है, अगर ये लेयर फेल भी हो गई तो दूसरी लेयर तो काम आएगी, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड फेलियर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। ओके, अभी हमको समझना है ये जो पार्ट है ना, ये प्रोटेक्टेड एसेट है, इसको हमको बचाना है। सबसे पहले हमने लगा दिया फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में क्या क्या यूज हो सकता है, गार्ड, ओके ओके, गार्ड हो गया, लॉक, ताला लगाना, हाँ कि नहीं, दीज आर यूज फॉर वॉट, फिजिकल सिक्योरिटी, है ना। मॉनिटरिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए यूज हो सकता है IDS, SIEM, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। पैचिंग का मतलब क्या है, लेटेस्ट पैच को इंस्टॉल रखना ताकि सिक्योरिटी रिस्क क्या हो, रिड्यूस हो। नेक्स्ट वन इज एनक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लेन टू साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, रीडेबल फॉर्म में होता है, साइफर टेक्स्ट किसके फॉर्म में होता है, अनरीडेबल। एक्सेस कंट्रोल किसके लिए, एम्प्लॉइज के लिए। तो हम इस एसेट को बचाने के लिए इतने सारे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रहे, एक्सेस कंट्रोल एम्प्लॉइज के लिए, डेटा के लिए एनक्रिप्शन, लेटेस्ट एप्लीकेशन के लिए लेटेस्ट पैच इंस्टॉल कर रहे, मॉनिटरिंग के लिए IDS और या SIEM यूज कर रहे, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए गार्ड, लॉक्स, ये सब काहे के लिए वर्क करते, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। तो समझा, ऑनियन मॉडल क्या करता है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी। अगर एक मैकेनिज्म फेल भी हो जाए तो दूसरा मैकेनिज्म उसको ओवरकम करता है। अगर अटैकर को अटैक सक्सेसफुल करना है तो इन मल्टीपल लेयर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज ऑनियन मॉडल। ओके, तो गाइस मैं वीडियो स्टॉप करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि 3 D's पढ़े हमने, डिफेंस, डिटेक्शन और डिटरेंस। ओके, सिक्योरिटी पॉलिसी किस चीज के लिए यूज होती है, डिफेंस के लिए, डिटेक्शन के लिए या डिटरेंस के लिए, आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।
प्लीज कैप्चर।